हेलो माय डियर्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप सभी घरों में स्वस्थ होंगे और जो भी आपकी क्लासेस चल रही होंगी उसको ढंग से ज्वाइन कर रहे होंगे। आजकल हम लोग अपना मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा जो हल्दीघाटी का बैटल है बिटवीन मुगल्स आर्मी एंड महाराणा प्रताप, उसका शुरुआत हो चुका है। और इस युद्ध की शुरुआत कब हुई? 18 जून 1576 इन द मॉर्निंग। ठीक है, हल्दीघाटी के युद्ध की शुरुआत 18 जून 1576 को अर्ली इन द मॉर्निंग हो गई। उसके आगे क्या हुआ, आइए इस वीडियो में स्टडी करते हैं। एट दिस टाइम मुगल आर्मी सराउंडेड प्रताप फ्रॉम ऑल द फोर साइड। इस बार मुगलों की सेना ने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। झालामान ऑफ बारिशद्री टोर थ्रू द मुगल आर्मी प्रोसीडेड टुवर्ड्स राणा एंड रिक्वेस्टेड हिम। झालामान, जिसको झालामन्ना भी कहते हैं, वो बारिशद्री का था। ये मुगलों की सेना को चीरता हुआ राणा प्रताप के पास पहुंचा एंड रिक्वेस्टेड हिम और उनसे कहा, प्लीज टेक द रॉयल सिंबल ऑफ एंड गिव इट टू मी। आप ये जो शाही चिन्ह है इसे मुझे दे दें। एंड प्लीज गो अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड एट दिस क्रिटिकल टाइम फॉर द बेनिफिट ऑफ मेवाड़। आप युद्ध के मैदान से चले जाएं क्योंकि मेवाड़ के लिए इसी में भलाई है। समय को ध्यान में रखते हुए यही बेनिफिट है कि आप मैदान से चले जाएं, ये मेवाड़ के हित में होगा। राणा प्रताप एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट एट विटनेसिंग द प्लाइट ऑफ वाउंडेड चेतक। चूँकि घोड़ा उसमें उनका बहुत अधिक घायल हो चुका था, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली और वहाँ से चले गए। तो घोड़ा जो उनका कैसे घायल हो गया था, उन्होंने मान सिंह के ऊपर अटैक किया था, तो उनके घोड़े ने, मान सिंह चूँकि एलिफेंट पर सवार था, तो उसके घोड़े ने राणा प्रताप के उसकी हाथी के हेड पे अपने पैर टिकाए और उसके हेड पे चाकू लगे हुए थे धारदार हाथी के सूंड में, जिससे घोड़े के पैर घायल हो गए थे। एज सून एज रॉयल सिंबल वॉल वॉज एक्सचेंज, जैसे ही शाही चिन्ह बदला गया, हंड्रेड्स ऑफ स्वॉर्ड अटैक झालामान, सैकड़ों तलवारें झालामान मन्ना के ऊपर टूट पड़ी। एंड झालामान फेस्ड दीज ब्लड ब्रेवली, इन प्रहारों का उसने बहादुरी से सामना किया। एंड रिसीव्ड मर्टियम, और वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप फेथफुल चेतक डाइड, महाराणा प्रताप का जो वफादार घोड़ा था वो मर गया। वाइल क्रॉसिंग अ स्मॉल डिच एट बलीचा, एट दिस प्लेस बलीचा विलेज। इन फैक्ट द वॉर बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर वॉज नॉट अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। अकबर और महाराणा प्रताप के जो बीच युद्ध हुआ वो वास्तव रूप में धार्मिक नहीं था। दिस वॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पोलिटिकल पावर्स। ये जो युद्ध हुआ ये दो राजनीतिक ताकतों का युद्ध था। इट वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंट दैट द आर्मी चीफ ऑफ महाराणा प्रताप वॉज हाकिम खान सूरी। महाराणा प्रताप की सेना का जो मुखिया था वो हाकिम खान सूरी था, मुस्लिम था। वाइल द मुगल्स आर्मी वॉज लीड बाई राजा मान सिंह, और जबकि मुगलों की जो सेना का मुखिया था वो राजा मान सिंह था, वो हिंदू था। स्ट्रगल आफ्टर ऑफ हल्दीघाटी वॉर, हल्दीघाटी वॉर के बाद क्या संघर्ष हुए? आफ्टर द वॉर ऑफ हल्दीघाटी मुगल आर्मी वॉज स्टे एट गोंगडा। हल्दीघाटी युद्ध के बाद मुगलों की सेना कहाँ ठहरी रही? गोंगडा में। बट ड्यू टू लैक ऑफ लॉजिस्टिक मटेरियल द मुगल आर्मी रिटर्न टू आगरा। लॉजिस्टिक मटेरियल की कमी के कारण वो कहाँ लौट गई? आगरा। महाराणा प्रताप इस्टेब्लिश्ड हैज न्यू कैपिटल एट कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी स्थापित की कुंभलगढ़ में, और वहाँ से वो कंटिन्यू हैज स्ट्रगल विद द मुगल एडॉप्टेड न्यू स्ट्रेटजी ऑफ वॉर गोरिल्ला सिस्टम। और यहीं से वो मुगलों की सेना से लड़ाई करते रहे एक नई रणनीति के तहत, जिसको गोरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता है। थ्री टाइम्स अकबर सेंडेड हिज आर्मी टू मेवार। अकबर ने तीन बार अपनी सेना भेजी। फर्स्ट टाइम शहनवाज खान 15 अक्टूबर 1577, सेकेंड टाइम 15 दिसंबर 1578 एंड मई 1580। तो उसने तीन बार अपनी सेना भेजी मेवाड़ में। ड्यूरिंग फर्स्ट अटैक सहवाज इन सर्कल कुंभलगढ़ बाय इनक्रोचिंग
पहले अटैक में तो शहबाज ने कुंभलगढ़ को घेर लिया था बट सक्सेस नहीं हुआ। बट अगेन इन 1580 अब्दुल रहीम खानी खाना वॉज सेंडेड बाई अकबर। दोबारा से 1580 में अब्दुल रहीम खानी खाना को अकबर ने भेजा बट ही वॉज नॉट गेट एनी सक्सेस, लेकिन उसको भी कोई सफलता नहीं मिली। इन दिस वॉर मेवार आर्मी वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रिंस अमर सिंह सना प्रताप। इस बार जो सेना का नेतृत्व है मेवाड़ की आर्मी का वो प्रताप का पुत्र अमर सिंह कर रहा था। ही ऑक्युपाइड कुंभलगढ़। अकबर सेंट हिज आर्मी अंडर जगनल ख्वाजा बट ही डिड नॉट गेट सक्सेस। अकबर ने अपनी आर्मी जगनल ख्वाजा के नेतृत्व में भेजी फिर भी उसको सफलता नहीं मिली। इन जुलाई 1582 प्रताप्स आर्मी अटैक्ड ऑन मुगल आर्मी ऑन द पाथ ऑफ डाइवर। डाइवर के पाथ पे मुगलों की सेना पे प्रताप्स की आर्मी ने हमला किया बिटवीन 1585 टू 1587। प्रताप हैड मेड द अदर एरियाज फ्री फ्रॉम मुगल्स एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़ एंड मंडल। चित्तौड़गढ़ और मंडल को छोड़ के प्रताप ने सारे क्षेत्र आज़ाद करा लिए। ये फर्स्ट पैराग्राफ का अपर पोर्शन है। जब अब्दुल रहीम खानी खाना लड़ने आया था महाराणा से तो उस समय उसने अपना परिवार कहाँ छोड़ दिया था, शेरपुर में छोड़ दिया था। एंड ही प्रेजेंट अब्दुल रहीम खानी खाना फैमिली, तो मौका पाके जो उसका पुत्र था अमर सिंह उसने शेरपुर पे आक्रमण कर दिया और खानी खाना के परिवार को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप गॉट अनॉयड बाय दिस एंड टोल्ड अमर सिंह टू रिलीज हिज फैमिली ऑफ अब्दुल रहीम खानी खाना एंड सेंड देम बैक रेस्पेक्टफुली। ये समाचार सुन के राणा प्रताप क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि रहीम खानी खाना के परिवार को सम्मान सहित वापस लौटा दो। कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में, ठीक है, वो मेवाड़ या मेरवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र था। और ये क्षेत्र कैसा था? दिस वॉज मेजर स्टेशन ऑफ मुगल्स, ये मुगलों का मुख्य स्टेशन था। प्रताप अटैक दिस स्टेशन अलॉन्ग विद अमर सिंह। अमर सिंह के साथ प्रताप ने इस स्टेशन पे हमला किया। प्रताप टू कंट्रोल ऑन द एंटायर वैली ऑफ देवर, देवर की पूर्ण घाटी पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। व्हेन द न्यूज ऑफ प्रताप डेथ ऑन 19 जनवरी 1597 रीच्ड अकबर, जब राणा प्रताप की मृत्यु का समाचार 19 जनवरी 1597 को अकबर को मिला, ही टू बिकम सैड, तो बहुत दुखी हो गया। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सिचुएशन वॉज इंटरप्टेड बाई, इस घटना का जो वर्णन है ये किसके द्वारा किया गया है? दुर्शा आढ़ा, प्रेजेंट इन अकबर्स कोर्ट। इस घटना का वर्णन दुर्शा आढ़ा के द्वारा किया गया है, अकबर के दरबार में उपस्थित था। उसने लिखा है, अस लेगो अड़दाग पाग लेगो अड़नामी गहलोत राड़ जीती गयो दशण मोद रशणा उसी निशास मुक मरिया नयड़ तो मृत साह प्रताप सी। तो ऐसा जो दूसरा अड्ढा वो प्रेजेंट थे उन्होंने बताया है। मीनिंग राणा प्रताप ऑन योर डेथ द एम्परर प्रेस्ड हिज टंग इन बिटवीन हिज टीथ, राणा प्रताप आपकी मृत्यु पे अकबर ने अपनी जीव को दांतों के बीच दबा लिया। एंड क्राइड सेवरली बिकॉज नाइदर डिड यू सेक्रीफाइस योर हार्स नॉट डिड यू बो योर टर्बन इन फ्रंट ऑफ एनी वन रियली यू आर द विनर बाई ऑल मीन्स, और बहुत तेज चिल्लाया और उसने कहा कि ना तो आपने सरेंडर किया और ना ही अपने घोड़े को सेक्रीफाइस किया और ना ही अपनी पगड़ी को किसी के सामने झुकाया। यू आर द विनर ऑफ ऑल मीन्स, आप सब तरह से विजयी हो। ये शब्द अकबर के हैं। कॉलोनियल जेम्स टोड एड्रेस्ड हल्दी घाटी एज मेवार्स थर्मोपल्ली एंड देवर एज मेवार्स मैराथन। एक विदेशी इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स, उन्होंने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और देवर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। नेक्स्ट इज राव चंद्रसेन 1562 एडी टू 1581। राव चंद्रसेन वॉज बॉर्न इन 16 जुलाई 1541 एडी। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 एडी को हुआ था। ही वॉज अ सन ऑफ मालदेव झालारानी स्वरूपदेव, वो मालदेव झालारानी स्वरूपदेव के पुत्र थे। स्वरूपदेव हैड रिक्वेस्टेड मालदेव टू मेक चंद्रसेन
द प्रिंस ऑफ मेवाड़। स्वरूप देव ने मालदेव से रिक्वेस्ट की कि चंद्रसेन को युवराज बनाया जाए मेवाड़ का। विन मालदेव डाइड, चंद्रसेन बिकम द रूलर ऑफ मारवाड़ 31 दिसंबर 1562 AD, दो ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। यद्यपि वो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, फिर भी चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 31 दिसंबर 1562 को वो मारवाड़ के राजा बने। फॉर दिस रीजन बोथ ऑफ द ब्रदर्स ऑफ चंद्रसेन वर अनॉयड, इस कारण जो उनके दोनों भाई थे वो नाराज हो गए। द एल्डर ब्रदर राम वेंट टू अकबर्स कोर्ट एंड रिक्वेस्टेड हिम फॉर रॉयल असिस्टेंस। जो उनका बड़ा भाई था राम, वो कहाँ चला गया? अकबर के दरबार में, और उनसे शाही सहायता के लिए रिक्वेस्ट किया। एंड अकबर वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस टू टेक प्लेस, और अकबर भी इंतजार कर रहा था, ऐसे मौके की तलाश में था। शॉर्टली आफ्टर दिस अकबर सेंट हिज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ हुसैन कुली खान। जल्दी ही अकबर ने हुसैन कुली खान के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर भेजी। हु ऑक्युपाइड द जोधपुर फोर्ट इन मई 1564 AD, और उसने मई 1564 AD में जोधपुर किले पे अपना कब्जा जमा लिया। मारवाड़ सूरज चंद सेन फ्लेड अवे फ्रॉम जोधपुर एंड टुक रिफ्यूज इन भद्राजुन। जो मारवाड़ का शासक था चंद्रसेन, वो वहाँ से भाग गया और कहाँ शरण ली? भद्राजुन में। इन 1570 AD चंद्रसेन अटेंडेड अकबर्स नागौर कोर्ट। नागौर में जो दरबार लगा हुआ था अकबर का, जिसमें आपने पीछे भी पढ़ा, लगभग सभी राजाओं ने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उस दरबार में चंद्रसेन भी गए थे। बट वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ अकबर एंड द प्रेजेंस ऑफ हिज कंपटीटर उदय सिंह, तो अकबर ने जो व्यवहार किया चंद्रसेन के साथ उसको देख के, और अपने प्रतिद्वंदी उदय सिंह को देख के, ही लेफ्ट द नागौर कोर्ट एंड रिटर्न, उसने नागौर कोर्ट छोड़ दिया और वापस चला गया। व्हेन अकबर केम टू नो अबाउट ऑल दिस, जब अकबर को इन सब बातों के बारे में पता चला, ही अपॉइंटेड राय सिंह ऑफ बीकानेर से जोधपुर चीफ, तो उन्होंने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का मुखिया नियुक्त किया। एंड क्रस राव चंद्रसेन, और चंद्रसेन की जो पावर थी, ताकत थी, उसको दबाने के लिए अकबर सेंट हिज आर्मी टूवर्ड्स भद्राजोन। अकबर ने अपनी सेना भेजी भद्राजोन की तरफ। फ्रॉम भद्राजोन चंद्रसेन अलॉन्ग विद हिज नेफ्यू कल्ला सन ऑफ चंद्रसेन ब्रदर राम, जो चंद्रसेन के भाई राम का बेटा था, और ये राम अकबर की शरण में चला गया था, ठीक है, तो अपने भतीजे को लेके रीच्ड सोजत, वो सोजत पहुँचे। फॉलोइंग हिम द मुगल आर्मी रीच्ड देयर, उनका पीछा करते करते मुगल सेना यहाँ भी पहुँच गई। राव चंद्रसेन पोसेड टुवर्ड सिवाण फ्रॉम देयर, यहाँ से वो सिवाण पहुँच गए। फ्रॉम सिवाणा चंद्रसेन रीच्ड संचियाए इन सारन हिल्स, बाद में वो कहाँ पहुँचे? संचियाए नामक स्थान पर पहुँचे जो पहाड़ियों में स्थित है। ही डाइड 11 जनवरी 1581 AD, ही समाधि इज बिल्ट देयर। राव चंद्रसेन इज ऑल्सो नोन एज द फॉरगॉटन हीरो, द फॉरगेटन किंग ATC। बाद में 11 जनवरी 1581 को उनकी मृत्यु हो गई और यहीं उनकी समाधि बनी हुई है। राव चंद्रसेन को एक फॉरगेटन हीरो, विस्मृत जिसको नायक कहते हैं, या भूला बिसरा, फॉरगेटन किंग आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट इज राय सिंह ऑफ बीकानेर, ये वही राय सिंह बीकानेर हैं जिनको जोधपुर का मुखिया नियुक्त किया था अकबर ने। राय सिंह वॉज द एल्डर सन ऑफ कल्याणमल, राय सिंह कल्याणमल के, कल्याणमल राठौर के बड़े बेटे थे। ही वॉज बॉर्न 20 जुलाई 1541, इनका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। इन नागौर कोर्ट हेल्ड इन 1570 AD, ये नागौर का दरबार लगा हुआ था 1570 में। ही ज्वाइन द रॉयल आर्मी ऑफ अकबर, उन्होंने अकबर की जो शाही सेना थी उसको ज्वाइन किया। एंड शॉर्टली बिकम अकबर्स लॉयल, और जल्दी ही अकबर के वफादार बन गए। फर्स्ट अकबर अपॉइंटेड राय सिंह एज जोधपुर चीफ, पीछे भी पढ़ा आपने 1572 में उसने राय सिंह को बीकानेर, जो रायपुर थे बीकानेर के, उनको जोधपुर का मुखिया नियुक्त किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर कल्याणमल, उनके पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद ऑन 25 दिसंबर
1574 AD राय सिंह बिकम द रूलर ऑफ बीकानेर। अपने पिता की मृत्यु के बाद राय सिंह बीकानेर के शासक बने। When राय सिंह was looking after जोधपुर's administration, जिस समय राय सिंह जोधपुर का प्रशासन संभाल रहे थे, इब्राहिम मिर्जा रिवॉल्ट इन नागौर, उसी समय इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह एलिमिनेटेड हिम इन अ विलेज कॉल्ड कथौली, ये गांव का नाम है जिसका नाम है कथौली, वहीं उसकी पावर को उन्होंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अ कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन सिरोही देवरा सुल्तान एंड बीजा देवरा, सिरोही के देवरा सुल्तान और बीजा देवरा के बीच कुछ अनबन हो गई, आपस में झगड़ा हो गया। एट द टाइम राय सिंह अटैक्ड सिरोही, उसी समय राय सिंह ने सिरोही पे हमला किया एंड फोर्स्ड बीजा आउट ऑफ द स्टेट, और बीजा को मजबूर कर दिया स्टेट से बाहर जाने के लिए। ही प्लेस्ड हाफ ऑफ द सिरोही रीजन अंडर द मुगल एम्पायर, उन्होंने सिरोही क्षेत्र का जो आधा हिस्सा था उसको मुगल साम्राज्य में शामिल कर दिया एंड गेव इट टू महाराणा प्रताप्स ईस्ट रेंज स्टेप ब्रदर जगमाल हु हैड कम फ्रॉम मेवार, और ये हिस्सा उसने जीत के किसको दे दिया, महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जो महाराणा प्रताप से नाराज होके आए थे जगमल, ठीक है, मेवाड़ से जो नाराज होकर महाराणा प्रताप सिंह के सौतेले भाई आए थे उनको उसने हिस्सा दे दिया। सुल्तान अटैक द मुगल्स, सुल्तान ने मुगलों पे हमला किया। अ बैटल टू प्लेस बिटवीन बोथ ऑफ आर्मीज, एक युद्ध हुआ दोनों ही सेनाओं के बीच में एट अ प्लेस कॉल्ड दत्तानी इन 1583 AD, उस स्थान का नाम है दत्तानी, 1583 में युद्ध हुआ। जगमल डाइड इन द बैटल ऑफ दत्तानी, दत्तानी के युद्ध में जगमल की मृत्यु हो गई एंड सुल्तान रीअकुपाई सिरोही, और सुल्तान ने दोबारा से सिरोही रीअकुपाई कर लिया। बीइंग हैप्पी विद राय सिंह, राय सिंह से खुश होके अकबर ग्रांटेड हिम द जूनागढ़ रीजन इन 1593, उन्होंने जूनागढ़ क्षेत्र राय सिंह को दे दिया। ही ग्रांटेड हिम द जागीर ऑफ शमशाबाद एंड नूरपुर इन 1604, शमशाबाद और नूरपुर की जागीर भी राय सिंह को दे दी 1604 में एंड इनटाइटल्ड हिम राय बिटवीन 1589 to 94 AD, और उन्होंने अकबर ने एक टाइटल दिया, उपाधि दी राय। राय सिंह बिल्ट जूनागढ़ अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर करमचंद, राय सिंह ने जूनागढ़ का निर्माण कराया अपने प्रधानमंत्री करमचंद के नेतृत्व में एंड इंसर्टेड अ प्रशस्ति, और एक प्रशस्ति लगवाई जिसका नाम है राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह वॉज ऑल्सो लिटरेट मैन, वो भी एक साहित्यकार व्यक्ति था एंड ही रोट अ कमेंट्री बेस्ड, उसने कुछ टीका आधारित रचनाएं लिखी हैं, कमेंट्री बेस्ड रचनाएं लिखी हैं। कौन कौन सी हैं, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला एंड एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स, इसकी उन्होंने रचना की है। इन अ ट्रीटाइज नेम्ड करमचंद वंशो कीर्तनकम ही हैज बीन एडेस्ट एड राजेंद्र, एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है करमचंद वंशोत्कीर्तनकम, उसमें राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ राय सिंह बीकानेर एक्सपीरियंस अ सेवर फेमाइन, जिस समय राय सिंह शासन राजा हुआ करते थे उनके शासन के दौरान बहुत ही भयंकर सेवर फेमाइन अकाल पड़ा। राय सिंह ओपेंड सदाव्रत, इसके लिए राय सिंह ने क्या खोले, सदाव्रत खोले एट सेवरल प्लेसेस एंड अरेंज फोडर फॉर एनिमल्स, जगह जगह पर सदाव्रत खोले और जानवरों के चारे की व्यवस्था कराई। द बिगिनिंग ऑफ बीकानेर स्टाइल ऑफ आर्ट इज सेड टू बी हैव बिगन ड्यूरिंग द रेन ऑफ राय सिंह, जो बीकानेर की चित्रकला है ऐसा माना जाता है कि जो इसकी शुरुआत है वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। राय सिंह डाइड एट अ प्लेस कॉल्ड बुरहानपुर इन साउथ इंडिया, बुरहानपुर नाम का एक स्थान है, वहीं इनकी मृत्यु हो गई 21 जनवरी 1612 AD को। एट सम प्लेस इन साउथ इंडिया
Rai Singh saw and embraced a bush named Fog in a desert and said. Rai Singh ने दक्षिण भारत के स्थान पे रेगिस्तान में एक फॉग नाम की झाड़ी को देखा, ठीक है, और उनसे लिपट गया, embraced, और कहा, तू सी देसी रोखड़ा, मैं परदेसी लोग, माणे अकबर ती दिया, क्यों तू आयो फोग. मीनिंग यू आर अ नेटिव प्लांट, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं. विलिस्ट आई एम अ फॉरेनर, और मैं क्या हूँ, मैं तो एक विदेशी हूँ. अकबर सेंट मी फोर्सफुली ओवर हेयर, मुझे अकबर ने यहाँ ज़बरदस्ती भेजा है. बट फॉग वाई हैव यू कम हेयर, लेकिन तुम यहाँ रेगिस्तान में क्यों आए हो, मैं तो परदेसी हूँ, आप यहाँ क्यों आए हो. नेक्स्ट इज सवाई जयसिंह, जयसिंह द्वितीय. जयसिंह वॉज बॉर्न इन 3rd September 1688 AD. हिज फादर्स नेम वॉज बिशन सिंह. इन बिगनिंग हिज नेम वॉज विजय सिंह एंड हिज ब्रदर्स नेम वॉज जय सिंह. जय सिंह का जन्म 3rd September 1688 AD को हुआ. उनके पिताजी का नाम बिशन सिंह था. शुरुआत में जय सिंह का नाम विजय सिंह था और उनके भाई का नाम जय सिंह था. बींग इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज कैपेबिलिटी, उनकी जो क्षमता थी, कैपेबिलिटी थी, उससे प्रभावित होके औरंगजेब नेम्ड हिम एज जय सिंह एंड हिज ब्रदर एज विजय सिंह. तो उनकी क्षमता के आधार पे, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, योग्यता के आधार पे औरंगजेब ने दोनों के नाम बदल दिए, जय सिंह का विजय सिंह और विजय सिंह का जय सिंह कर दिया. तो जय सिंह फादर बिशन सिंह डाइड इन 1699 AD. जय सिंह के पिता की मृत्यु 1699 AD में हो गई. सवाई जय सिंह बिकम द रूलर ऑफ आमेर. सवाई जय सिंह आमेर के राजा बने ऑन 19 December 1699 AD, 19 December 1699 AD को. औरंगजेब डाइड इन February 1707 AD, और औरंगजेब की मृत्यु हुई February 1707 में. अ बैटल ऑफ सक्सेशन टुक प्लेस बिटवीन औरंगजेब सन, एक उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ औरंगजेब के बेटों के बीच में. मुअज्जम, आजम, कामबख्श एंड अकबर वर द सन्स ऑफ औरंगजेब, ये औरंगजेब के बेटे थे. मुअज्जम, आजम, कामबख्श एंड अकबर. अकबर लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू पर्शिया, अकबर ने भारत छोड़ दिया और पर्शिया चला गया. कामबख्श वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द रूलर, और कामबख्श को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी. फाइनली अ बैटल टू प्लेस बिटवीन मुअज्जम एंड आजम, अंततः जब ये दोनों भाई सरेंडर हो गए तो ये एक युद्ध हुआ मुअज्जम और आजम के बीच में इन 1707 AD, द बैटल फील्ड ऑफ जजाऊ. जजाऊ एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, यहीं दोनों के बीच युद्ध हुआ. सवाई जयसिंह टुक पार्ट इन दिस बैटल एंड फेवर्ड आजम, सवाई जयसिंह ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया और आजम का फेवर किया. मुअज्जम टुक जयसिंह्स ब्रदर विजय सिंह, तो आजम का साथ जय सिंह ने दिया तो मुअज्जम का साथ विजय सिंह ने, मुअज्जम ने उनको अपनी तरफ मिला लिया. मुअज्जम इमर्ज एज विक्टोरियस इन दिस बैटल, मुअज्जम इस युद्ध में विजयी रहा. आफ्टर विनिंग द बैटल फर्स्ट, मुअज्जम रिनेम्ड हिमसेल्फ एज बहादुर शाह फर्स्ट, तो इस युद्ध को जीतने के बाद मुअज्जम ने सबसे पहले अपने नाम को बदला, रीनेम्ड एज बहादुर शाह फर्स्ट. विजय सिंह वॉज मेड द रूलर ऑफ आमेर, विजय सिंह को आमेर का राजा बनाया गया. एंड आमेर वॉज रीनेम्ड एज इस्लामाबाद, आमेर का नाम बदल के इस्लामाबाद कर दिया गया. एंड लेटर एज मोमिनाबाद, और बाद में इसका नाम बदल के मोमिनाबाद कर दिया गया. बहादुर शाह अपॉइंटेड आमेर्स रूलर सवाई जय सिंह एंड मारवाड़ रूलर अजीत सिंह एज सूबेदार. अमर सिंह पुट अ कंडीशन दैट सवाई जय सिंह शुड गेट मैरिड टू हिज डॉटर चंद्रकुमारी. अमर सिंह द्वितीय ने एक शर्त रखी, अगर सवाई जय सिंह उसकी पुत्री चंद्रकुमारी से विवाह करेंगे एंड ओनली देन ही विल बी प्रोवाइडेड विद रॉयल असिस्टेंस, तो उसके बाद भी उनकी सहायता करेगा. जय सिंह अग्री टू दिस कंडीशन, जय सिंह इस शर्त के लिए तैयार हो गया. विच इज ऑल्सो नोन एज दिवारी समझौता, जिसको दिवारी पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है. अमर सिंह
सेकेंड एग्रीड टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू सवाई जय सिंह ऑफ आमेर एंड अजीत सिंह ऑफ मेवार। सवाई जय सिंह और अजीत सिंह को सहायता देने के लिए अमर सिंह तैयार हो गए। व्हेन दिस न्यूज रीच्ड बहादुर शाह फर्स्ट, जब यह समाचार बहादुर शाह प्रथम को मिला, एट फर्स्ट ही बिकेम एंग्री, पहले तो वो नाराज हुआ, बट लेटर ही फॉरगिव बोथ ऑफ देम, लेकिन बाद में उसने दोनों को माफ़ कर दिया। चूरामण रिवॉल्ट इन भरतपुर स्टेट, चूरामण ने भरतपुर राज्य में विद्रोह कर दिया। टू क्रश दिस रिवॉल्ट रंगीला सेंट जयसिंह, इस युद्ध को खत्म करने के लिए रंगीला ने जयसिंह को भेजा। इन 1722 AD जयसिंह टुक चूरामन्स नेफ्यू बदन सिंह इन हिज फेवर। जयसिंह ने चूरामन का जो भतीजा था नेफ्यू बदन सिंह उनको अपने फेवर में कर लिया एंड फोर्स चूरामन आउट फ्रॉम द भरतपुर, और चूरामन को मजबूर कर दिया भरतपुर से बाहर जाने के लिए। जयसिंह कम्फर्ट बदन सिंह विद द टाइटल ऑफ ब्रिजराज एंड गेव हिम डीग। जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी और डी की जो जागीर है वो भी दे दी। बींग हैप्पी विद द डिक्लाइन ऑफ जाट्स, जाट्स के पतन से खुश होके मोहम्मद शाह अडॉन्ड जयसिंह विद द टाइटल ऑफ राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। जाटों के पतन से प्रसन्न होके मोहम्मद शाह ने जयसिंह को एक इतना बड़ा नाम उपाधि दी, टाइटल दिया राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। सवाई जयसिंह बिल्ट एन एस्ट्रोनॉमिकल टेबल टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ कॉन्स्टलेशन इन 1725 AD। जयसिंह ने 1725 AD में जो नक्षत्र होते हैं, तारे होते हैं, उनकी गति को जानने के लिए एक सारणी का निर्माण कराया, एक टेबल्स का निर्माण कराया। जयसिंह रोट अ बुक एंड ऑन एस्ट्रोलॉजी विच वॉज नेम्ड जयसिंह कृतिका। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर, ज्योतिष विद्या पर किताब लिखी है, एक बुक लिखी है जिसको जयसिंह कृतिका के नाम से जाना जाता है। फॉर डेवलपिंग एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को और अधिक डेवलप करने के लिए भारत में जयसिंह बिल्ट 5 ऑब्जर्वेटरीज। जयसिंह ने 5 ऑब्जर्वेटरीज का निर्माण कराया है, वैद्यशालाएँ बनवाई हैं। कहाँ कहाँ हैं? एट जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस एंड उज्जैन। जंतर मंतर ऑफ जयपुर इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑफ देम। इनमें से जो जयपुर की ऑब्जर्वेटरी है जंतर मंतर, वो सबसे बड़ी है। विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज, इसको सांसारिक विरासत में भी, वर्ल्ड के हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। लिस्ट ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है। इन जुलाई 2010 में इसको सांसारिक विरासत में भी शामिल किया गया है। जयनगर वाज़ द एंशिएंट नेम ऑफ जयपुर, जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर हुआ करता था। बिफोर जयपुर वाज बिल्ट, जयपुर बनने से पहले अ सिकर होड़ी वाज सिचुएटेड एट दिस प्लेस, इस स्थान पर एक सिकर होड़ी हुआ करती थी। दिस होड़ी वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बादल महल बाई सवाई जय सिंह, इस होड़ी को बाद में बादल महल में परिवर्तित कर दिया गया सवाई जय सिंह के द्वारा। एंड ही बिगन टू बिल्ट द सिटी ऑफ जयपुर, और उसने जयपुर शहर का निर्माण शुरू किया। सवाई जय सिंह वॉज द लास्ट हिंदू रूलर हु परफॉर्म्ड राजसूय या विजय पाय अश्वमेघ यज्ञ इन 1748 AD। सवाई जय सिंह वो अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने 1748 AD में ये यज्ञ करवाया। सवाई जय सिंह बिल्ट जल महल्स फॉर द रेजिडेंस ऑफ ब्राह्मिन्स हु परफॉर्म्ड द यज्ञ, जो ब्राह्मण यज्ञ करवाया करते थे उनके लिए सवाई जय सिंह ने जल महलों का निर्माण कराया। ड्यू टू ब्लड इन्फेक्शन जय सिंह डाइड इन आमेर ऑन 21 1743 AD। ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण जय सिंह की मृत्यु 21 सितंबर 1743 को हो गई। अमर सिंह राठौर, जोधपुर महाराजा गज सिंह हैड 3 सन्स। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। अमर सिंह वाज़ द एल्डेस्ट सन, अमर सिंह उनका बड़ा पुत्र था, उसके बाद जसवंत सिंह एंड अचल सिंह। अचल सिंह वॉज अ यंगेस्ट हु डाइड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अचल सिंह उनका सबसे छोटा पुत्र था जो बचपन में ही मर गया। अमर सिंह राठौर वॉज माइटी एंड ब्रेव, ये बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर थे। मैनी राजपूत यंगेस्टर्स लाइक हिम वर हिज कंपेनियन, बहुत सारे नवयुवक राजपूत थे वो उनको अपने साथी के रूप में पसंद करते थे।
गर सिंह केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पासवा नेम्ड अनारा एंड डिप्राइव अमर सिंह ऑफ सक्सेशन एंड फोर्स हिम टू आउट ऑफ द कंट्री। गर सिंह ने एक अनारा नाम का पासवान था, उसके बहकावे में आके अमर सिंह को राजाधिकार से वंचित कर दिया और देश से निकाल दिया। अमर सिंह राठौर वेंट टू सर्व द मुगल एम्परर। अमर सिंह राठौर मुगल शासक की सेवा में चले गए। शाहजहां वॉज इन्फ्लुएंस बाई हिज ब्रेवरी। शाहजहां उनकी बहादुरी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ एंड एडॉर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ राव और उनको राव की उपाधि दी। वंस अमर सिंह राठौर रिमेंड एबसेंट फ्रॉम मुगल्स कोर्ट फॉर 15 डेज। एक बार अमर सिंह राठौर मुगलों के कोर्ट में लगभग 15 डेज तक एबसेंट रहे। वेन एम्परर शाहजहां आस्क्ड द रीजन फॉर हिज एबसेंस, जब शाहजहां ने उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, ही आंसर्ड विद प्राइड, उन्होंने गर्व से उत्तर दिया, आई हैड गॉन फॉर हंट एंड देयर फोर कुड नॉट अटेंड द कोर्ट, मैं शिकार के लिए गया था अतः मैं दरबार में नहीं आ सका। एंड एज फार एज गिविंग फाइन इज कंसिडर्ड, माई स्वॉर्ड इज माई ओनली प्रॉपर्टी, और जहाँ तक जुर्माना देने की बात है तो हमारा जो संपत्ति है वो क्या है, हमारी तलवार ही है। बख्शी सलावत खान वॉज सेंट टू कलेक्ट फाइन फ्रॉम हिम। बख्शी सलावत खान को उनसे फाइन कलेक्ट करने के लिए भेजा गया। अमर सिंह रिफ्यूज टू पे द फाइन। अमर सिंह ने फाइन पे करने से मना कर दिया। द एम्परर ऑर्डर अमर सिंह टू कम इमिडिएटली, तो शाहजहां ने आदेश दिया कि वो दरबार में तुरंत हाजिर हो। अमर सिंह राठौर ओबेड द ऑर्डर एंड ग्रीटेड द एम्परर इन दीवाने खास। अमर सिंह ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया और दीवाने खास पहुँच के बादशाह का अभिवादन किया। एज सून एज ही रीच देयर, जैसे वो वहाँ पहुँचे, सलावत खान कॉल्ड हिम मैनलेस। जैसे वहाँ पहुँचे तो सलावत खान ने उन्हें गलत तरीके से पुकारा, मैनलेस। अमर सिंह कुड नॉट बियर दीज वर्ड्स, अमर सिंह इन शब्दों को नहीं सह पाए एंड अटैक्ड सलावत खान एंड किल्ड हिम विद हिज स्वॉर्ड, सलावत खान के ऊपर हमला कर दिया और अपनी तलवार से उसे मार दिया। आफ्टर दिस अमर सिंह अटैक्ड एम्परर शाहजहां, उसके बाद वो शाहजहां के तरफ दौड़े, बट सम हाउ ही सेव्ड हिमसेल्फ, लेकिन कैसे भी उसने अपने आप को बचा लिया। टेरीफाइड शाहजहां रैन अवे टू जनाना महल, भयभीत शाहजहां कहाँ भाग गया, जनाना महल में। अमर सिंह्स ब्रदर इन लॉ बेटेड हिम एंड कनिंगली अटैक्ड एंड किल्ड हिम इन टेम्पटेशन ऑफ ग्रांट। अमर सिंह का जो साला हुआ करता था उन्होंने धोखे से अमर सिंह को मार दिया। हियरिंग दिस द चीफ एंड सोल्जर्स ऑफ अमर सिंह बिकेम एजिटेटेड, ऐसा सुन के जो अमर सिंह के मुखिया थे, चीफ थे, वो बहुत ही क्रोधित हुए एंड इमिडिएटली प्रोसीडेड टुवर्ड्स दिल्ली, और तुरंत उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया एंड इंटर्ड इंटू शाहजहां रेजिडेंस, और वो कहाँ पहुँच गए, शाहजहां के निवास, थ्रू बुखारा गेट। बुखारा गेट से वो शाहजहां के निवास पे पहुँच गए। राठौर्स रिसीव्स मर्टिडम वाइल कंफर्टिंग द एनिमी, राठौर्स दुश्मनों की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रेड फोर्ट्स बुखारा गेट वॉज क्लोज, लाल किले के बुखारा गेट को बंद कर दिया गया। ब्रिक द सेम डे, उसी दिन, एंड फ्रॉम दैट डे दिस गेट बिकम फेमस एज अमर सिंह गेट, और उसी दिन से इस गेट को अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाने लगा। दिस गेट रिमेन क्लोज फॉर मैनी ईयर्स, ये जो गेट है बहुत सालों तक बंद रहा, एंड वॉज ओपेंड इन 1809 AD बाई द ऑर्डर्स ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिसर नेम जॉर्ज स्टील। बाद में इसको 1989 में खोला गया एक ब्रिटिश अधिकारी के आदेश पे जिसका नाम था जॉर्ज स्टील। ओके okay?